सब्सक्राइब कीजिए टू आर एटीएंस को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना कर सकें। और कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री देन पीटीक्यू एंगल पीटीक्यू हमें पता करना है। ठीक, हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए इन द गिवन फिगर पीटी एंड टीक्यू आर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PT and TQ are the pair of tangents. ठीक, अब बात करेंगे इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट ये सेंटर है सर्कल का, तो इसे हम O मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल OPT equals to 90 degree। ठीक, since OP is perpendicular to PT, ठीक, OP PT पर perpendicular है। ठीक, radius is perpendicular to tangent, ठीक है, angle OQT equals to 90 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या रीजन है, सिंस OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये एंगल हमारा 90 हो गया, ये एंगल हमारा 90 हो गया और ये बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपको कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। ठीक, तो ये अगर 110 दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें कि थ्री एंगल हमें नोन है एक अननोन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें फोर्थ एंगल मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं यह बात, सिंस ओपी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल सो एंगल ओपीटी प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, एंगल PTQ ही हमें फाइंड आउट करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए एंगल OPT ये हमारा है 90 डिग्री प्लस एंगल OTQ OQT ये भी आपका है 90 डिग्री प्लस और एंगल POQ जो आपका सेंटर पर बना हुआ है ये है आपका 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 110। ठीक, और ये आपका हो जाएगा एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री 360 डिग्री माइनस और ये आपका हो जाएगा 290 डिग्री। ठीक है, 290 डिग्री हो जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे।
ओके तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हमें मिल जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और 70 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये जो आपका बचा हुआ जो अननोन एंगल है वो आपका 70 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, और अगर आप चाहें तो इसे आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज्यादातर खासियत होती है कि वो एक नंबर में ही आता है, तो एक नंबर में आता है तो आपको सब कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन बाय चांस अगर ये क्वेश्चन अगर आपका सब्जेक्टिव में आ जाता है, मान लीजिए 4 to 5 मार्क्स में अगर ये आता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैंने आपको